ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे नहीं इनको भांग वाला नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कर लो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। अभी सुबह के 9 बजने वाले और मैं हेयर पैक बना रही हूँ अपने बाल में लगाने के लिए। तो अभी तो ये पूरा बना नहीं है, बन जाता है तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। ये है एलोवेरा जेल, जो कि जो घर वाला होता है ना, ये वो वाला है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नारियल तेल मिलाऊंगी अभी, उसके बाद ये मेरा पैक तैयार हो जाएगा। मिलाएंगे नारियल तेल। इसको मैं ऐसे ऐसे अपने बाल में लगा लूंगी चारों तरफ, क्योंकि कल मैं तेल नहीं लगाई थी तो बिना तेल के शैम्पू करते बाल बहुत रूखा रूखा हो जाता है। मैंने कहा यही लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें अभी भाप निकल रहा है गरम गरम। नहीं बोलिए ना, क्या बोल रही है, हमको ढील बोल रही है। तू उधर क्यों चले गए, तू उधर क्यों चले गए, ये जिन्ना है, ये जिन्ना है। ये मैं गरम गरम का तो कुछ ज्यादा ही गरम है, भाप निकल रहा है इसमें से। देखो भाप निकल रहा है। ये निकल गया। लगाओगे तो बनाए बताओ, लगाओगे नहीं? वाह, क्या बोली? हाँ बताओ, हमको गधही बोल रही है। और क्या बोली? पागल पागल झक्के। जो हम बाल में लगाए कह रही गधही हो तुम। ये क्या? अरे भाई वो बच्चा है, उसको मत मारो, मत मारो भाई। अरे छोड़ दो बेचारे को। मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया। गाजर का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया। तो इधर मौसी मेरा नाश्ता निकाल रही है। रोटी हमें रोटी दीजिएगा, पराठा नहीं। पराठा गरम पड़े वही दे दो, नहीं गरम ना करो ऐसे दे दो। हाँ ठंडा तो नहीं है ना एकदम? हाँ बस फ्रेंड मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एंड वीडियो में एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फ्रेंड आप देख सकते हैं मौसी मुझे डार्क लिपस्टिक दी है लगाने के लिए, बोली तुम ये वाला लगाओ, तुम बहुत हल्का लगाई हो। तो मैं जा रही हूँ उसको लगाने, अपना तो लगा ली है, यही वाला लगाना है ना। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया डार्क लिपस्टिक। और क्या लगाना है बताओ, वो भी लगा ले, सिंदूर तो लगाए हैं, ये सब आई शेडो लगा ले, सज धज के बैठे डेली हमको डांटेंगी मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ, ये लगाओ, जबकि हम लगाए रहते हैं तो भी काम वाला तो लगाए रहते हैं। तो फ्रेंड ज्योति मेरा सलवार बना रही है, तो अभी फोन करके मुझे नीचे बुलाएगी, दीदी नाप वगैरह अपना दे दीजिए। तो फ्रेंड ज्योति अभी नहाने गई है, उन्होंने आधा सलवार बना दिया है, अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना दाल बना लूं, और आज मैं पोई का दाल बनाने जा रही हूं। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये पोई का पत्ता है। और मैं अभी 2 दिन पहले सुबह से मौसी के साथ टहलने गई थी, तो वहां से मैं इसको तोड़ के लेके आई थी, तो आज इसका हम दाल बनाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेरा सलवार बन चुका है और मैं इसको पहन भी ली हूँ, मतलब ज्योति ने पूरे 1 घंटे में बना के दे दिया मेरा सलवार। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं ये फूल आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, वैसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड हम लोग मार्केट आए हुए थे और हमारा काम हो गया, हम घर वापस जा रहे हैं। तो हम सर्विस के साथ गए थे और आइसक्रीम वाला आगे जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि वो आगे ना भाग जाए।
तुम जाके उसको रुकवाओ थोड़ा तेज। मुझे कई दिन से ये वाली कुल्फी खाने का मन कर रहा था, लेकिन दिन में आता है तो मैं सोती रहती हूँ। क्या नाम है इनका? तो फाइनली हम लोग कुल्फी खाने जा रहे हैं। दीदी भांग वाला चाहिए? अरे नहीं, हमको भांग वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चप्पल देखने आए थे। मुझे ये वाला समझ आया, लेकिन ये जो है बड़ा है, एक नंबर। हमारी खरीदारी हो गई, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोगों ने कुल्फी भी खाया ना, तुम्हारे यहाँ के जैसे वो क्या बोलते हैं जब चमकता है, वैसे लग रहा है रात में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। एक्चुअली कल मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था और रात में मुझे ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो सुबह तो आज हम लोग मंदिर भी जाने वाले थे, लेकिन मैं मंदिर नहीं गई, सिर्फ मौसी अकेले मंदिर गई। और मेरा व्रत भी है, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैंने अपना नाश्ता वगैरह जो फलाहारी होता है वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। और आज तो बच्चों का रिजल्ट भी आया है, तो वैसे जैसे मतलब अच्छा नंबर आना चाहिए वैसे तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बहुत कम करते हैं ये लोग। और आज मैंने वो सूट पहना है जो टेलर ने खराब कर दिया था और ज्योति ने उसको सही किया है। तो मैं अभी आपको फुल पूरा सूट दिखाती हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहें। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसमें मैंने इस कलर का दुपट्टा लिया है जो कि मैं कल लेके आई थी मार्केट से, क्योंकि बहुत ही प्यारा है और आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे जो काटा था वो अभी तक सही नहीं हुआ, मैं इस पर दवा भी लगाती हूँ लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ है। ये देखिए इस तरह से है इसका सलवार, फ्रेंड आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ज्यादा तेज है, मतलब इंसान भी यहाँ पे पापड़ बन जाए इतना तेज वाला धूप है। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। आप मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद ही करते हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।